गांडे विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद के रातडी में रविवार को आसू ग्राम प्रभारी, बूथ प्रभारी और चुल्ला प्रमुख का एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो, आसू नेता नजरुल हसन हाशमी, विधायक लंबोदर महतो, पूर्व मंत्री उमाकांत रजक, देवशरण भगत, अर्जुन बैठा, प्रियंका शर्मा समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। सम्मेलन के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि आसू पूरी तरह से एनडीए के भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा के साथ है। हालांकि इस दौरान उन्होंने हैरानी व्यक्त करते हुए ये जरूर कहा कि भाजपा ने प्रत्याशी देने से पूर्व कोई राय शुमारी नहीं की। हड़बड़ी में सिर्फ 2 घंटे में ही गांडे से भाजपा प्रत्याशी का ऐलान किया गया। सुदेश महतो ने अर्जुन बैठा का कई बार नाम लेते हुए कहा कि गांडे में आसू को मजबूत करने को लेकर काफ़ी मेहनत किया था, ऐसे में उनकी उम्मीद अपनी जगह उचित है, लेकिन राजनीतिक हालात कई बार ऐसे होते हैं कि समझौता करना पड़ता है। इस विधानसभा में काफ़ी मेहनत अर्जुन जी ने किया है, कार्यकर्ताओं ने भी काफ़ी मेहनत किया है। अपनी बात, अपने संगठन के वर्तमान परिस्थिति की बात एनडीए के पटल पर रखना ये जरूरी था, लेकिन एनडीए के अंदर में ये गांडे को लेकर बैठक नहीं हो पाई। मैंने शीर्ष नेताओं से इस संदर्भ में पुनर्विचार के लिए आग्रह किया है और एक पटल पर कम से कम बातचीत हो, कैसे, चूंकि सामने जो कैंडिडेट होंगे, सामने जो पार्टी लड़ेगी, उस चुनौतियों को देखते हुए रणनीति के तहत जाना है, तो इसी के लिए हम लोग उस पटल पर बात करेंगे और जो भी निर्णय होगा आपके सामने आएगा। आप देखे होंगे कि मेरा प्रेस था कि प्रेस में हमने बोला कि हम लोग जो भी तय करेंगे एनडीए के पटल पर करेंगे, लेकिन 2 घंटा बाद ही घोषणा हुई थी। अच्छा, तो ये बात तो एक शिकायत भी है, तो हम रखेंगे जरूर। बिल्कुल आशीर्वाद से चल रहा है, आजसू भी दे रहा है, भाजपा भी दे रहा है, तब तो हम लोग लोकसभा में साथ हैं। इतना काम करेगी पार्टी, संगठन को मजबूत अगर नहीं करते हैं, आज इतना काम नहीं करते हैं, तो आजसू के बारे आप विचार कैसे करते हैं? नहीं, ये परिस्थिति केवल अभी कोई दिन नहीं, ये परिस्थिति नहीं बनती। एक अनुशासित कार्यकर्ता है, मैंने कहा कि दल के अंदर में कई लोग अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन कई अनुशासित कार्यकर्ता हैं और इस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, आगे भी इनका मेहनत जारी रहेगा। ये एक संजोग है उपचुनाव, ये उपचुनाव आया है, उपचुनाव की जो परिस्थितियाँ हैं इससे हम लोग एनडीए के पटल पर अपनी बात रखेंगे।